हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बिग बॉस के घर में कभी दुश्मनी और कभी दोस्ती बहुत ही लाजमी सी बात है। जी हाँ, वीकेंड के वार पर आपने देखा होगा कि किस तरह से अली गोनी और निकी तंबोली के बीच में हुआ था काफ़ी भयंकर झगड़ा, जिसके बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ गिले शिकवे खत्म करते हुए दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और आपको बताएंगे एक सीक्रेट वाली बात। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट गॉसिप। वेल, निकी तंबोली मन ही मन में कहीं ना कहीं एली को करती हैं पसंद। जी हाँ, निकी के दिल में अली के लिए है कोई सॉफ्ट कॉर्नर। जैस्मिन ने खुद अली और निकी को कहा है कि निकी तुझे पसंद करती है और निकी को भी ये बात कंफर्म की है कि निकी तेरे दिल में अली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वेल, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वेल, हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं निकी तंबोली, राहुल वैद्य और अली गोनी एक टेबल पर खड़े हुए हैं और जहाँ पर ये लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। राहुल वैद्य ने इन दोनों का पैचअप कराया है और निकी अब अली के साथ फिर से दोस्त बन गई है और उन्होंने इस बात को भी कन्फेस किया है कि हाँ अली, मैं तुझे पसंद करती हूँ, तेरे से मैं बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद नहीं करती हूँ जो कि तू करता है, हालांकि वो तेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं तुझे पसंद करती रहूँगी। वेल दोस्तों, क्या जान कुमार सानू के बाद अब अली गोनी के साथ भी देख सकते हैं निकी तंबोली? वेल, देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड्स में क्या दिखाई देगा ट्राइंगल। अगर ऐसा हुआ तो भाई जैस्ली के फैंस का क्या होगा? वेल दोस्तों, जो भी हो फिलहाल आप अपने कमेंट्स हमें दीजिए, आपकी कमेंट्स का इंतजार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।